विदिशा जिले के नटेरन अंतर्गत आने वाले चंपाखेड़ी गांव में मासूम बच्चे नीम के पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, क्योंकि गांव में बने प्राथमिक स्कूल भवन जर्जर हो चुका है। मामला विदिशा जिले के जर्जर स्कूल भवन के है, जहां बच्चे अपने आप को हमेशा मौत के मुंह में पाते हैं, इसलिए यहां पदस्थ शिक्षकों को बच्चों को मजबूरन पेड़ के नीचे पढ़ाना पड़ता है। सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। चंपाखेड़ी का ये स्कूल बहुत ही ज्यादा जर्जर हो चुका है। इस भवन में बच्चे किसी भी कंडीशन में बैठकर पढ़ने लायक नहीं है, मजबूर होकर के बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि ये नौ निहाल कैसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। मान के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं, और जबकि स्कूल की स्थिति ये है कि जर्जर हो चुकी, करीब 5 साल हो गए उन्हें जर्जर स्थिति को हुए। ग्रामीण जो अपने बच्चों को उसमें नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि गिरने का डर है, उसका क्या कहना है? देखिए, हमने संकुल प्राचार्यों को निर्देशित किया हुआ है कि अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति है कि अतिवृष्टि या वर्षा अधिक के कारण कहीं कोई घटना दुर्घटना की संभावना है, तो वो तत्काल संज्ञान में लाएं और जो भी वहाँ व्यवस्था की जा सकती हो, उनकी जनहानि या किसी तरह के भी नुकसान की बच्चों के प्रति किसी भी प्रकार से लापरवाही न बरती जाए, और जो बेहतर व्यवस्था हो सकती है वो वहाँ पर उपलब्ध कराई जाए, तत्काल संज्ञान में लाया जाए। साथ ही साथ जो भी इस तरह के भवन हैं उनकी जानकारी एकत्रित की गई और वरिष्ठ कार्यालय को भेजा भी है प्रस्ताव की जल्दी से जल्दी इनको फिर से जो है व्यवस्थित किया जा सके। मैं सुनील राव भोसले प्राथमिक शिक्षक हूँ। सर, स्कूल बहुत क्षतिग्रस्त है, सर टूटा हुआ है, करीब 5-6 सालों का है, और हमारे प्रभारी महोदय ने फोटो खींचकर ऊपर भेज दिया है, अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ सर। और इस नीम के पेड़ के नीचे बनाना पड़ता है, और बारिश होती है बड़ी दिक्कत आती है, बच्चों की किताबें भीग जाती हैं। स्कूल में किस तरह की दिक्कत है, वहाँ क्यों नहीं पढ़ाना आप पढ़ा पाते हैं? वो क्षतिग्रस्ती कहते हैं, वो ऊपर से ही हमें आदेश हैं कि आप उसमें क्लास नहीं लगाएंगे। तो 5 साल से अभी तक कोई अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया गया? कोई नहीं आया, वो हमने लिखे तक पहुँचा दिया है। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होती? क्यों हो रही है सर, बारिश में बहुत दिक्कत आती है। रामबाबू मैना, कुछ नहीं है, स्कूल टूटा पड़ा है 3-4 साल से, अधिकारी को आता नहीं है। के जो और भी नेता लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, वो कभी देखने आए? नहीं आए, कभी नहीं आए, बस वोट मांग आ जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। 4 साल हो गए स्कूल टूटे, 4 साल से यहीं पढ़ रहे हैं बच्चे। और 3-4 किलोमीटर का भीड़ सी ग्राम को चंपा खेड़ी, ये स्कूल खराब पड़ा है 4-5 साल से सर, जिसकी छत टूटी है सर स्कूल की, इस वजह से यार स्कूल के वजह से, छत के वजह से बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। अभी पानी का माहौल चल रहा है, पानी बारिश का टाइम है, पानी तेज गिरता है तो क्या होता है बच्चे? बच्चे के साथ जो होता है सर, वे भाग जाते हैं, किताब मिताब भीग जाती हैं, बचते मचते भीग जाते हैं सर। और कोई व्यवस्था नहीं है? और कोई व्यवस्था नहीं है सर इस पर। एक ही स्कूल है? एक ही स्कूल है सर, मानु गुर्जर 5th। पानी स्कूल टूटा है हमारा 5 साल से, 5 साल से जब हमारे पानी गिरता है तो हम उस उधर घर है उस पर बैठ जाते हैं, कॉपी किताब बीन जाती हैं इसके।